बताओ जरा हिडन चेस्ट है क्या नहीं है? ओ है, और उसके अंदर है टोपी। अरे सेम स्मार्ट। चलो एंटर टाइगर भैया जी आज क्या है? और भैया जी हो खाओ, भैया जी हो खाओ। यो बॉयज क्या हाल चाल, कैसे सारे, वेलकम टू वीडियो, क्या हाल है सभी के। तो आज का माइंड का मैं, लेकिन आज हम उगाने वाले बहुत ही ओपी पेड़, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले पेड़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज हम पेड़ उगाने वाले वो आज इतने खतरनाक पेड़ होने वाले कि क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। जैसे कि आप एक नॉर्मल पेड़ खड़ा है, यहाँ पे तुम्हें पत्ते दिख रहे हैं, पत्तों की जगह हमारे ओपी पेड़ में डायमंड के ब्लॉक, आयरन के ब्लॉक, लिटरली नेदरराइट तक के ब्लॉक्स होंगे, और एक सीक्रेट चीज भी है। तो पूरी वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज आने वाली है। एंड जब तक मैं लकड़ियां जमा कर रहा हूँ यूट्यूब स्टैंड के साथ, एक किलो उठे तब तक सब्सक्राइब किया तो भाई बन के सब्सक्राइब करो यार, अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक भी कर देना। ओके अभी के लिए इतनी लकड़ियां बहुत है, यहाँ पे बनाते हैं इसको, ऐसे करते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग ऐसे आते हैं, थोड़ी सी स्टिक्स ले लेते हैं और ज्यादा होगी ये। चलो कोई बात नहीं, और मैं यहाँ पे क्यों प्लीज मैं नशे में हूँ, छोड़ो इस चीज को। चलो यहाँ पे लकड़ी को प्लैक्स बनाते हैं, यहाँ पे एक एक्स ले लेते हैं क्योंकि आज मेरे को एक्स बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। बूम, चलो एक्स आज का, मेरे को बहुत सारी लकड़ियां चाहिए, तो जल्द से लकड़ियां जमा कर लेते हैं। ओके सो हमने पूरा पेड़ उतार दिया, लेकिन अभी हमें और लकड़ियां चाहिए क्योंकि आज लकड़ियां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाली हमारा। तो जल्दी से थोड़े से और पेड़ गिराते हैं। ओके बस आई थिंक 10 लकड़ियां बहुत है अभी के लिए। जो हमें पहला पेड़ बनाना है हमें चाहिए सुअर, तो सुअर को लपेटते जल्दी से, और हमारा सुअर ने खाना दे दिया जिसको हमें गर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए फर्नेस, तो फर्नेस लेके आते हैं जल्दी से। ओके सो यहाँ पे हमारा खाना गर्म हो रहा है, और ये खाना सही तो खाने के लिए नहीं है, ये लिटरली पेड़ उगाने के लिए। अभी बताता हूँ क्या होगा इससे। चलो हमारा खाना यहाँ पे आज का। अब अगर मेरे को पेड़ बनाना है तो पहले तो ओपन एरिया में चलते हैं, ताकि हमारा पेड़ जो है कहीं फंस ना जाए, क्योंकि बहुत जाइंट पेड़ है ये, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया और बहुत जाइंट पेड़ है। चलो आज के एरिया ठीक है हमारे लिए। अभी यहाँ पे अगर मैं फूड बीच में रखता हूँ और यहाँ पे सारी लकड़ी रखता हूँ, तो हमारे पास बनेगा पहला पेड़ जो है खाने का। बूम, यहाँ पे अभी मैंने बनाया और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर पीछे देखेंगे तो लिटरली यहाँ पे पिक स्पोनर है, और यहाँ पे चेस्ट भी हमारे लिए जो है, तो ये चेस्ट बता रही है कि ये जो पेड़ है पूरा स्पोनर प्योर खाने से बना हुआ है। यहाँ पे लिटरली इतने सारे स्पोनर, मेरी गेम लैग हो रही है यार। ऊपर से यहाँ पे आयरन के टूल्स भी मिल चुके हैं, जिससे मैं ये चीजें तोड़ सकता हूँ, जो मेरे को बिल्कुल चाहिए सही बताओ तो। अगर यहाँ पे खाना चाहिए, मेरे को लगा था कुक फूड मिलेगा, ये गलत बात है। लिटरली यहाँ पे मेरे को नशेड़ी पिक दिए हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं यार, मतलब जल्दी से फ्री का खाया और लपेट ही लेते हैं। ओ चिकन भी मिल रहा है, वहाँ मतलब ये पेड़ मुझे चिकन, पिग, काओ, शीप, ये सारी चीजें दे रहा है। मल्टी टैलेंटेड पिग है भाई, ये तो क्या बात है, आई मीन पेड़ है भाई, क्या बात है। चलो यहाँ से कल्टी मारते भाई, क्या मजाक है, पानी के अंदर भी गोल गोल घूम रहे भाई ये। ओके यहाँ से कल्टी मारते हैं, लैग बड़ा हो रहा है मेरा, तो निकलते हैं यहाँ से। दूसरा पेड़ जो मैं कोल का बना सकता हूँ मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू चीज होती है, तो कोल को छोड़ ही देते हैं, अब इग्नोर मारते कोल वाले पेड़ को। ओके हम यहाँ पे घुस गए, क्या बात है, हमें एक आयरन चाहिए लिटरली, हमें आयरन का पेड़ बना के लिटरली एक आयरन चाहिए जो हमें मिल चुकी है। यहाँ पे इसको स्मेल्ट कर देते हैं। चलो भाई जल्दी से पिघल जा तू, तब तक हम पानी में डूब के मरते हैं। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर। ओके हमारे यहाँ पे आयरन गर्म हो चुके हैं, अभी इस एक ही होते हैं आयरन से पूरा आयरन का पेड़ बना सकते हैं, लेकिन मैं लकड़ियां नहीं आया। अरे यार मैं कितना गधा हूँ, मैं बिना लकड़ियां ले नीचे आ गया मुंह उठा के, वापस ऊपर चलते हैं क्योंकि मैं गधा हूँ और मैं लकड़ी लाना भूल गया। आई लिटरली यार आगे से वीडियो जब भी रिकॉर्ड करूंगा ना गांजा नहीं फूकना यार, कौन सा नशा है। चलो हम ऊपर आज के, हमें जल्दी से पेड़ को लपेटते हैं, तो जल्दी से पेड़ को लपेटते हैं। आज हमारी आयरन की एक्स जो हमें फ्री में पेड़ से मिली थी, लेट्स गो यहाँ पे लकड़ियां लपेट लेते हैं जल्दी से। ओके आई थिंक इतनी लकड़ियां बहुत है अभी के लिए। चलो यहाँ पे अगला पेड़ बनाते हैं अपना आयरन का, एंड उसके लिए हमें चाहिए क्राफ्टिंग बेंच, जो मेरे को गाय है क्राफ्टिंग बेंच का फैंक है। चलो यहाँ पे क्राफ्टिंग बेंच लाते हैं क्योंकि लकड़ियों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, अंबानी है भाई हम लकड़ी के मामले में, लिटरली मतलब इतने भी अंबानी नहीं है, बट हाँ ठीक है कुछ तो है अपने पास। चलो यहाँ पे लकड़ियां डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं अपना आयरन का टुकड़ा, एंड बूम चलो यहाँ पे बन चुका हमारा आयरन का पेड़, जहाँ पे साथ आयरन गोलम भी दिया है। इस तीन आयरन का मैं करूंगा क्या, वो प्रेशर प्लेट है इसमें क्या है, समन प्योर आयरन गोलम, क्या बात कर रहे हो। लग रहा है यहाँ पे जब भी जाओगे मेरे को फ्री का आयरन, अगर मतलब ये सारी आयरन भी खा जाता हूँ उसका मैं और आयरन गोलम स्पॉन करके उनको मार के और आयरन ले सकता हूँ, अनलिमिटेड आयरन, क्या बात है। और यहाँ पे आयरन के फालतू टूल्स है जो मेरे को घंटा नहीं चाहिए, तो यहाँ से आयरन को इग्नोर करते हैं, लकड़ियां लेकर कल्टी मारते हैं, क्योंकि मेरे को लिटरली आयरन का क्या करना है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं आयरन का। आर्मर तो बनाने से मैं अमीर बहुत हूँ, डायरेक्ट डायमंड का बनाऊंगा, क्योंकि क्या करेंगे क्या कर लेंगे। चलो डायमंड ढूंढने आते हैं जल्दी से, या एक काम करते हैं, देखो अंधेरा हो गया और मैं मरना नहीं चाहता, तो थोड़ी सी आयरन ले लेते हैं। देखो हाँ मैं डर गया, मान गया मैं डर गया, मेरे को डर लगता है भैया ज़ॉम्बी मार देगा मेरे को। चलो आज देखिए तैयार होते हैं अभी के लिए, लेट्स गो यहाँ पे आयरन को कन्वर्ट करते हैं आयरन के डब्बों में, एंड 45 आयरन आ चुके हैं, यहाँ पे आयरन का पूरा आर्मर बना लेते हैं, एंड बूम चलो आयरन का पूरा आर्मर आ चुका है हमारे पास यहाँ पे, बूम लेट्स गो, क्या बात है, स्मैक्स ही दिख रहा हूँ एकदम यहाँ पे। ओके चलो अभी आयरन का चाकू भी बना लेते हैं, पैसे पड़े तो यूज करो, छोड़ो लकड़ियां बहुत नहीं है मेरे पास, छोड़ो अब लकड़ियों को स्टिक्स में कोई नहीं कन्वर्ट करे, आलस बहुत है मेरे अंदर, सीधा नीचे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मर गए तो नहीं मरेंगे। ओ भाई साहब ये क्या जिंदगी है मेरी, और यहाँ पे लौंडे इतने सारे, हेलो फ्रेंड्स, चाइना पीना, अच्छा मेरे को चाहिए डायमंड, यहाँ पे घंटा कुछ नहीं चच का, तो इग्नोर मार के भागेंगे इनको, बाबा फ्रेंड्स, बाबा 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 मेरे को मार देना वाला, प्लीज मार देना। अबे यार ये तो ऊपर जा, मेरे को
नीचे जाना है। ओके यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं क्योंकि लोंडे मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे को पंगा नहीं लेना उनसे, सीधा नीचे चलेंगे आराम से जाएंगे। ओके बस डायमंड दे दो यार, डायमंड दे दो। यहाँ पे गोल्ड भी है, एमराल्ड भी है, बट डायमंड नहीं है जो मेरे को मेनली चाहिए था। सही बताऊं तो ये बाबा सिर चीजों का मैं क्या करूंगा, मतलब इनके पेड़ बना भी लिए तो मैं क्या ही कर लूंगा। डायमंड दे दो यार भाई भैया, कम ऑन। कॉपर का भी पेड़ बना सकते भाई, जो मैं इग्नोर करके जा रहा हूँ। मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपर यूजलेस है, इससे यूजलेस है कॉपर। चल तू निकल साड़े, प्लीज फट जा। कितने एमराल्ड अबे, और तू फट गया। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो डायमंड दे दो यार भाई बन के। यार हेलो मारता मत, देखो डायमंड चाहिए बस। अरे यार ये कैसी जिंदगी है यार। ओके मैं जिंदा हूँ, पता नहीं कैसे बैठे जिंदा हूँ। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। यहाँ से सीधा नीचे जा रहे हैं डायमंड के पास। ओके बस यहाँ पे हमें रेडस्टोन भी मिल गया, थोड़ा सा ले लेते हैं उसको भी ताकि हम रेडस्टोन का भी पेड़ बना सके, कत लाल चमकेगा लोंडा। ओके डायमंड दे दो भाई बनके। यार यहाँ डायमंड मिल सकता है, मेरे को पूरी उम्मीद है, मेरे को पूरी उम्मीद है अपने गंदे लग से कि मेरे को यहाँ पे डायमंड एक टुकड़ा भी मिल जाए चलेगा। प्लीज एक टुकड़ा दे दो यार। ओके मैं तो ऊपर जाके पानी लेके आते हैं। आयरन का तू आ जा इधर। अरे 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 चलो बकेट बन चुके हमारी, जल्द से पानी लेके आते हैं ताकि लावा से जल के ना मर जाऊं मैं, क्योंकि मेरे हाल जो मारे बहुत है तुम्हें पता है, मैं पक्का लावा से जल के मरूंगा। तो जल्दी से पानी लेके आते हैं। एंड अरे कितनी ऊपर है तो बूम, चलो पानी हमारे यहाँ पे। अरे मैं कितना गधा हूँ भाई। और वो लैपिस है? ओके नहीं ये फूल है, वाओ बहुत बढ़िया। ओके लैपिस दे दो, मेरे को दे सकते हो तो भाई बनके। ए तू मेरे ऊपर ना कूदना, मेरे ऊपर ना कूदना, मैं इग्नोर कर रहा हूँ तुम्हें, तेरे को भी इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा ना तेरे को पानी से एलर्जी है ना, ये पानी पी फिर। ओ तू तो पानी पे मर रहा है, व्हाट द फक। ये तो सर मेरे को नहीं पता था। ओ क्रीपर भैया आ गए, सॉरी भाई नहीं करूंगा उगली। ओके मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, व्हाट द फक। मैं कैसे जिंदा हूँ, इग्नोर मार के जल्दी से चलते हैं। मैं तेरी आंख में नहीं देख रहा, पहले बोलो पानी पता नहीं किससे गिरा है, मैं तो बिल्कुल नहीं था भाई। क्या बात करो, तेरे को नहला दिया, क्या बात है, झूठ ना बोलो यार ऐसे। भाई ठीक है, मतलब मेरे को भी पानी से एलर्जी है, बट मैंने नहीं क्या कुछ तेरे साथ। ओके मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कुत्ते की मौत मरने वाला, मेरा हाथ दिल है भाई, क्या करूं मैं। जल्दी खाना खाते हैं, डायमंड की बीक मांगते हैं गेम से। प्लीज डायमंड बीक दे दो, डायमंड बीक भाई प्लीज, गेम बीक दे भाई, बीक नहीं मेरे को डायमंड, गेम प्लीज डायमंड दे दो। मैं क्या बोलता हूं, डायमंड। ओके आ गया, आई मीन लावा। अरे यार तू क्या है यार, गोल्ड है तू, टट्टी है यार तू। मेरे को डायमंड दे दो भाई बन के प्लीज यार, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे को डायमंड दे दो। मैं डायमंड खाऊंगा नहीं, बट स्टिल डायमंड दे दो, बहुत भूख लग रही है। डायमंड का है तू, मैं रो दूंगा यार। डायमंड का टुकड़ा दे दो छोटू सा, बस एक डायमंड से मेरी जिंदगी सफल हो सकता है, क्योंकि डायमंड जो है ना भाई लिटरली, मैं डायमंड का पेड़ की बात नहीं कर रहा, मतलब ठीक है डायमंड का पेड़ तो है ही है, लेकिन एक ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हिडन चीज है पेड़ के पास जो मुझे चाहिए। कम ऑन डायमंड दे दो मेरे को प्लीज, वो मेरी जिंदगी बदल सकती है लिटरली पूरी। मेरे को डायमंड दे दो भाई, मेरा इमोशनल ब्लैकमेल घंटा काम नहीं किया, एक डायमंड का टुकड़ा नहीं मिला मेरे को इस समय तक। क्या ये क्या ये, कम ऑन एक डायमंड का टुकड़ा दे दो, नीले पत्थर चाहिए भाई को, दे दो यार। और मेरे को डायमंड मिल गया, लेट्स गो। तो वो सब डायमंड आ चुका है, फाइनली मजा आ गया। और वहाँ पे लैपिस भी है, जो दोनों चीजें मेरे को चाहिए थी। चलो डायमंड आ गया, लैपिस तू भी आई जा, चलो देखते हैं तू भी क्या देती है हमें, लेट्स गो। चलो यहाँ पे डायमंड आ चुका है, लैपिस आ चुका है, अभी जल्दी से ऊपर निकलते हैं बिना मारे बाय द वे, बिना मारे ऊपर निकलना मेरे को। अरे भैया मुंडी साइड हो जा मेरी, मेरे को चुल बड़ी मच रही है दीवार गिराने की। छत गिराते हैं और फिर भागते हैं, लेट्स गो। चलो जी जी समझ नहीं, बस कोई दिक्कत है, लेट्स गो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास और हम ऊपर पहुंच गए, लेट्स गो। ओके बस तो टाइम आ चुका अपने खतरनाक पेड़ उगाने का। ओके बस तो जल्द से सारे पेड़ उगाते हैं, हमें पास 18 लकड़ियां, मेरे को और चाहिए होंगी थोड़ी सी, तो जल्दी से लकड़ियां जमा कर लेते हैं। ओके बस आज कितनी लकड़ियां बहुत है हमारे लिए इस समय पे। चलो अभी यहाँ पे रखते हैं अपना क्राफ्टिंग बेंच, बूम, और मरना नहीं है मेरे को साथ साथ। चलो अभी पहला पेड़ बनाते हैं हम अपना कोल का, क्योंकि सीधी बात है टट्टी से स्टार्ट करके टॉप तक जाएंगे, तो पहले कोल से ट्राई करते हैं। कोल भैया बताओ तुम क्या दोगे हमें, बूम कोल का पेड़ हमारा बन चुका है, और जो बिल्कुल कोल जैसा दिखता है, क्या बात है। और हमारी सीक्रेट चेस्ट में क्या मिलेगा बताओ, और टट्टी माल इसको हम इग्नोर करने वाले, छोड़ो इसको, मैं जाना भी नहीं मेरे को उधर। ऐसे कोल की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है कोल यूजलेस होता है, मतलब ठीक है थोड़ा सा यूजफुल है, बट फिर यूजलेस ही है यार, एक कोल गधा लगता है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा कोल ले ही लेते, क्योंकि सीधी बात है मेरे को थोड़ा सा माल स्मेल्ट करना है, तो ले लेते थोड़ा सा कोल यहाँ पे। आ जा बेटे कोल जल्दी आ जा। ओ भाई इसके अंदर चेस्ट है, ये भी है, मैं मतलब पीछे पेड़ छोड़ा है जहाँ पे चेस्ट हुआ करती है, वाह। ओके तो यहाँ पे सीक्रेट चेस्ट छुपी पड़ी है अंदर, लेट्स सी इसके अंदर क्या है, अगर तो मेरे को दिख जाए। और मैं गिर गया फिर से, खाली मारे। चलो मेरी चेस्ट मेरे को, मैं खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे को ऊपर से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्लॉक है। भाई साहब गेम की फिजिक्स इतनी वियर्ड क्यों है भाई, मतलब ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम्हारे चेस्ट के ऊपर ब्लॉक है तो तुम उसका ढक्कन नहीं खोल सकते, बट ये बताओ ये पेड़ उड़ कैसे रहा है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। अगर तुम्हें फिजिक्स में इतना ध्यान देने तो भाई थोड़ा लॉजिक अच्छे से करो यार, गलती नशे करके गेम बनाई जाती है ये गेम। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, ऊपर से पार्कोर करते हैं, मतलब जंप करते हैं एक छोटा सा, और देखते हैं हमारी चेस्ट के अंदर क्या मिलने वाला मुझे, लेट्स गो। और हमारी चेस्ट के अंदर अच्छा हेलो हेलो हेलो,
मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ, देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद? हेलो भाई साहब, भाई कोल के चेस्ट के अंदर हमें मिल चुका है यहाँ पे थोड़े से गोल्डन एंचांटेड यहाँ पे, जो मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, थोड़े से फर्नेस, थोड़े से बास फर्नेस जो बिल्कुल ही छोड़ो, और बाबा यहाँ पे नेदरराइट का चाकू है जिसपे एंचांटमेंट्स, भाई इसको पढ़ते कैसे ये बता दो, ये नंबर पढ़ते कैसे है? तो हमारे पास लिटरली यहाँ पे हर एक चीज हमारे पास यहाँ पे, थोड़ा सा आर्मर भी है, नेदरराइट के जूते, नेदरराइट के चेस्ट पे जिसपे थोड़ा सा माल है, हल्की छोटी छोटी लिटरली मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल एंचांटमेंट्स है ना वो लगा रखी है, और हमारे पास यहाँ पे एक बो भी है जिसमें छोटी सी पावर 69 के एंचांटमेंट से, छोटी मोटी चीज है, इसको हम इग्नोर कर रहे, छोड़ो हम इसको इग्नोर कर रहे, हम टट्टी नहीं उठाते, हम सीधी बात है टट्टी नहीं उठाएंगे, फक यू। अबे साले, हम यहाँ पे एक और बनाएंगे पेड़, चलो अभी एमरल्ड के पेड़ से ट्राई करते हैं, क्योंकि आई गेस गोल्ड के बाद एमरल्ड जो सबसे ज्यादा यूजलेस है, तो लेट्स गो, इसकी बेइज्जती करने के बाद यहाँ पे एक एमरल्ड का पेड़ बनाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एमरल्ड का पेड़ आज का जो रिप्लेस हो गया चेस्ट का ही, वाह, और यहाँ पे स्लाइम भी है जो मेरे को मारने आ रही है, क्यों भाई जीने दे, भाई जीने दे, वो चेस्ट का माल गिर गया लेकिन मैं उसको नहीं उठाऊंगा क्योंकि टट्टी से निकला है, मैं नहीं उठाऊंगा। ओके यहाँ पे क्या सीक्रेट चेस्ट है, देख के आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओके भाई फालतू माला मैं पीछे क्यों पड़ गया यार, दूर है मेरे से, एक ना काम करते खाना खा ही लेते हैं, अब दूर है मेरे से, वरना मैं रोदूंगा, कम ऑन, मेरे को चीजें नहीं उठानी, मेरे को बाबा सिर उठ की गलती से आए, हाय कोल वाला बाबा सिर माल उठ गया, बट कोई बात नहीं, अब चलो फ्री में मिल रहा है तो उठा लेते हैं, ज्यादा भी बेइज्जती नहीं करनी गेम की, वरना गालियां देके मारेगी ये मेरे को, चलो अभी यहाँ पे चेक करते हैं क्या है हमारे लिए, क्या ही एक हिडन चेस्ट है, कम ऑन बताओ जरा हिडन चेस्ट है क्या नहीं है, और उसके अंदर है टोपी, अरे सेम सामान, ओके तो हमारे हिडन चेस्ट में सेम सामान है लेकिन इसके एंचार्ट में 69, अरे भैया जी ये क्या क्या है, मैं लिटरली इसको पा सकता हूँ बट मैं पाने नहीं वाला, यहाँ पे मैं विलेन स्पोन एक भी है ताकि मैं लिटरली ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है भाई, लिटरली सब कुछ है, मैं इसको जान पूछ के नहीं पहा रहा, मैं गधा नहीं हूँ, क्योंकि डायमंड जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें देता है, इससे भी ज्यादा अच्छी बाय द वे, तो इसलिए मैं नहीं पा रहा इसको, तो अब इग्नोर करते हैं और चलते हैं आगे, अपना नया पेड़ बनाते हैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके, चलो यहाँ पे एक और क्राफ्टिंग का आता है क्योंकि मेरा पुराना वाला फिर से चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ निकल लिया, तू आ जा इधर, लेट्स गो, अभी लैपिस वाला पेड़ बनाते हैं, लैपिस से हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, जल्दी बताओ, और यहाँ पे लकड़ियां जाएंगी तो हमारे पास आएगा लैपिस वाला पेड़, जो लैपिस देगा हमें, क्या बात है, किसी ने गेस भी नहीं किया होगा, और हमारे पास यहाँ पे आयरन के टूल्स है भाई फालतू माल, और यहाँ से थोड़ा सा माल जमा कर लेते हैं, ऊपर चल के देख के आते क्या है हमारे लिए, सीक्रेट चेस्ट में देख के आते क्या है हमारे लिए, एंड लेट्स गो, चलो मेरे ख्याल से यहाँ पे सीक्रेट चेस्ट होगी, बूम, क्या बात है, कतई बिग बने, लेट्स गो, और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी एपी, मतलब थोड़ी बहुत एक्सपी, एक एंचांटमेंट टेबल, एक बहुत सारे, मतलब लिटरली बहुत सारे एंचांटिंग गोल्डन एप्पल जो हम लपेट लेते हैं, क्योंकि सीधा सा खाना खत्म हो गया मेरा और मैं बहुत गरीब हो चुका हूं, और यहाँ पे लैपिस के ब्लॉक का फंड आ गया जिसको हम इग्नोर करके जा रहे हैं अभी के लिए, और अपने प्यारे गोल्डन एंचांटिंग यहाँ पे खा रहे हैं क्योंकि हम कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते, चलो अभी ये हो चुका हमारा, अभी रेडस्टोन का ट्राई करते हैं, उसमें हमारा फाइनली डायमंड का गोल्ड का इग्नोर मार रहा हूं क्योंकि सही तो मेरे को गोल्ड का नहीं ट्राई करना, मैं आलसी हूं, छोड़ो गोल्ड की इज्जत वैसे ही नहीं है, चाहे वो अच्छा से अच्छा माल भी दे, छोड़ो गोल्ड को इग्नोर करते हैं, और यहाँ पे रेडस्टोन का बनाते हैं, और हमारा रेडस्टोन का बन चुका है, लेट्स गो रेडस्टोन, अरे स्लाइम तू तेरी हां भी आगे चल गया, कोई काम धंधा नहीं है तेरे को, लेट्स सी रेडस्टोन वाले में क्या है हमारे पास, कम ऑन कुछ सेक्सी माल, रेडस्टोन में क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता, तो चलो देखते हैं, लेट्स गो, सो उनके ब्लॉक्स जो हमें पता ही था होने चाहिए थे, और कुछ स्पेशल नहीं है, बाकी वही फालतू चीजें हैं, लिटरली फालतू चीजें जिनको मैं मुंह भी नहीं लगाने वाला, इग्नोर कर रहा हूं बिल्कुल ही, फालतू माल है, इग्नोर कर तो निकलते यहां से, अभी बनाते फाइनली अपने डायमंड का पेड़, लेट्स गो, तू दूर रहे स्लाइम, अरे स्लाइम भैया दूर हो जाओ मेरे से, भाई आतंकी हमला कर रहा है भाई लूंडा, चलो स्लाइम अब तू मेरे से दूर रहियो, बहुत मारूंगा उछल उछल के सारे, चलो अभी यहां पे एक और क्राफ्टिंग मेज आता है, मेरा आखिरी वाला जो क्राफ्टिंग मेज था वो भी गायब हो गया, पता नहीं कहां चोरी हो जा रहा है भाई लोंडे हमारे, पर छोड़ो उसको, यहाँ पे बनाते हैं डायमंड का पेड़ जो फाइनली बहुत ही ज्यादा ओपी चीजें देगा, तो चलो बॉयस यहाँ पे डायमंड का पेड़ बनाते हैं, यहाँ पे डायमंड अपने बीच में रख दिया, थोड़ी सी लकड़ियां बीच में रखते हैं, एंड बूम हमारे साथ यहाँ पे डायमंड का पेड़ जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल पेड़ जैसा है, और यहाँ पे हमारा वही बेसिक आयरन के टूल्स है जो मैं बिल्कुल इग्नोर मारने वाला हूं, क्योंकि हमें पता है अंदर एक हिडन चीज पड़ी है यहाँ पे, तो जल्दी से देख क्या था उसमें है क्या, मैं लिटरली ये डायमंड के ब्लॉक को गंदा इग्नोर मारा क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तो चलो यहाँ पे सारे ब्लॉक्स तोड़ते हैं, और यहाँ पे अपनी चेस्ट को रिवील करते हैं, बूम लेट्स गो, हमारी सेक्सी चेस्ट आ चुकी है, अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेते पहले, ओके तो मैंने सारा का सारा फालतू माल फेंक दिया अपना, और अब अपनी फाइनल चेस्ट खोलते हैं, लेट्स गो, हमारे पास यहाँ पे आज का पूरा नेदरराइट का आर्मर, टोपी, चेस्ट प्लेट, अपने नेदरराइट की पैंट, और यहाँ पे हमारे नेदरराइट के जूते, जो हमारा पूरा आर्मर कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे नेदरराइट का, और जिन पैंट चार में लिटरली तुम्हारे सामने यहाँ पे पढ़ने भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को सीधी बात हो तो ये नंबर पता भी नहीं पड़ते कैसे है, कितना लंबा नंबर है भाई तू, 1,10,000, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, उसके बाद क्या आता है 1,000 के बाद 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 10,00,000 करोड़, 10 के बाद क्या आता है 16 करोड़, 16 करोड़ तो करोड़ नहीं होते भाई, क्या है, देखो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने तुम जूम इन करो जो मर्जी करो, तुम्हारे सामने मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, तुम देख लो बाबा यहाँ पे खतरनाक आर्मर आ चुका है समय पे, भैया जी जो भी मेरे से पंगा लेगा कुत्ते की मौत मरने वाले, लिटरली कुत्ता अच्छी मौत मरेगा उससे, चलो यहाँ पे नजर की सबसे इंपोर्टेंट चीज लेते हैं, हो
जो इन्होंने समझा कि देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें चाकू तक नहीं दिया इन्होंने, और कुछ नहीं दिया, लिटरली सिर्फ नजर की और यहाँ पे एक एक्स जिसपे चार्टमेंट 69 है, चलेगा मेरे को। चलो अभी यहाँ से कल्टी मारते हैं, गैस आई थिंक इतना बहुत है अभी के लिए। चलो अभी यहाँ से कल्टी मारते हैं, मर तो मैं सकता नहीं अब सीधे। हाँ भाई स्लाइम का तू, स्लाइम बेटे कहाँ पे तुम, हाँ कहाँ उछल रही थी, अब उछलना। अरे अब उछल कहाँ गई तू स्लाइम, अरे यार स्लाइम भाग गई यार, उसको मेरे को मारना था। अरे यार स्लाइम वेली कप हटे यार, चलो कोई बात नहीं, स्लाइम तो भाग चुके, लेकिन एक काम करते हैं, अभी देखो मैं सीधी बात में एंड नहीं जा सकता, मेरी आज तबीयत खराब है जिनको नहीं पता, मेरे से लिटरली बोला नहीं जा रहा आज, तो आज हम इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड करने के लिए आज हम तीन मुंडी वाले चचा जी को बुलाएंगे और उनसे लड़ाई करेंगे, मतलब वो मेरे को मुक्का मारेंगे और उतने में वो मर जाएंगे, क्योंकि मैं थ्रोन्स के लिटरली भैया मेरे को नहीं लगता कोई मेरे से बच सकता है। तो चलो तीन मुंडी वाले चचा जी को स्पॉन करते हैं यहाँ पे, और भी भैया स्पॉन उठ के कहाँ पे हो, अरे किधर के एरिया कटरा बेटे, ये ले मैं एक बॉल के शॉट से तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, लेट्स गो भाई। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, भाई ये बंदा स्पोन हुआ, बंदा बाय बाय बोल गया, बंदा लिटरली मैंने एक छोटा सा एफ फेंका था, मैंने कैच कराया था और भैया जी मर गए। भैया जी के हाल कितने मारे मैं क्या ही बताऊं, भैया जी गायब हो गए, भैया जी लिटरली मर चुके हैं कुत्ते की मौत। भैया जी अरे कहां निकल लिए, अरे इधर स्टार देखिए आप तो अपना, ये तो हार मान गया लूडा, वहां बैठे वहां बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एंटी ड्रैगन को भी स्पोन कराया, क्योंकि मैं लंबी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं अभी नेदर जाके इतनी मेहनत नहीं कर सकता यार, क्योंकि मेरे से लिटरली बोला नहीं जा रहा। तो चलो यहाँ पे एंटी ड्रैगन भैया को भी स्पोन करा लेते हैं, चलो एंटी ड्रैगन भैया जी आज के, और भैया जी उड़ रहे हैं, भैया जी मर गए, वाओ बाय बाय। एक और काम करते हैं, एक और भैया जी को स्पॉन कराते हैं और इस बार उनको मुक्को से मार के जलील करेंगे। चलो नहीं नहीं इस बार एक और भैया जी को स्पॉन करते हैं और उसको डेजर्ट के होश से मार के जलील करते हैं। चलो लेट्स गो भाई, गलती बेइज्जती होगी भाई, मतलब तुम देखो तुम एक बहुत आतंकी बंदे हो, लेकिन तुम एक एंटी ड्रैगन और तुम्हें कोई गधे का बच्चा आके होश से मार जाता है, भाई कैसे जियोगे तुम, कैसे मतलब दुनिया को अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे। चलो यहाँ पे भैया जी को फिर से स्पॉन करते हैं, और भैया जी आज के लो भैया जी हो खाओ, भैया जी हो खाओ, भैया जी हो खाओ, I'm not interested यार, भैया जी हमारी हो पे शार्पनेस दिया, मार खा लो हमसे प्लीज प्लीज हमसे मार खा लो। भैया जी इग्नोर करके चले गए, भैया जी बाय बाय हो गए। भैया जी अरे भैया जी, अरे भैया जी को ढूंढू कैसे हमारे यार, भैया जी भाग गए, अरे भैया जी तो निकल लिए, अरे कहाँ निकल गए ये, अरे भैया जी तो पूरा बड़ा वाला छेद बना के गायब हो गए पूरा पहाड़, भाई ये तो गलत क्या है लोग, भाई भैया जी ने पूरा लिटरली केव बना के कल्टी मार गए, बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म कहानी, भागे ना भाई, अरे तेरी आंखों तो देखा भी नहीं तेरे को, चुल मच गई, अरे रुक जा, अरे कहाँ गया तू, मर गया तू, तू कुछ नहीं कर सकता। अरे भैया जी कहाँ गए, अरे भैया जी गए कहाँ, भैया जी ओ भैया जी जा रहे हैं, अरे भैया जी मिल गए, अरे भैया जी मिल गए, अरे भैया जी वापस आओ, अरे भैया जी मार तो खा लो, हाथ पे बो रख लेते जस्ट इन केस अगर भैया जी आ जाए तो हम उनको थोड़ा सा प्यार से एक एरो दे दे, बड़े भैया जी तो भगोड़े निकले यार, व्हाट द फक, हेलो भैया जी, अरे भैया जी यार तो भाई भगोड़ा निकला यार, बाय ओ ये बेबी व्हाट्सअप, भाई भाग गया भाई वो, भाई उड़ गया भाई वो, भाई निकल दिया भाई वो, मैं क्या करूं भाई, भाग गया वो भाई, डरपोक था सारा। ओके गाइस भैया जी भाग गया, मैं क्या ही बोलूं, मैं रोक तो सकता था भैया जी, जो देखो यार जाते इंसान को रोक नहीं सकता, तो भैया जी को टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दिया हमने, भैया जी भाग चुके हैं मैदान छोड़ के, तो आई गेस मैं जीत चुका हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अभी मैं चलता हूं, अगले बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अभी के लिए बाय बाय।